हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जॉडिक रीडिंग में हम टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये जो वीक है उनके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोगों के लिए वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। टॉरस वृषभ राशि, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टॉरस, आप लोग की ना शफलिंग बहुत अच्छी हो रही है। आप लोग का ऐसा होता होगा ना कि जब भी आप लोग अपनी तारीफ करते होंगे आप लोग के साथ कुछ हो जाता होगा। आप लोग की ऐसी थिंकिंग होगी कि हम ज्यादा खुश हो गए तो हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो जाएगा, आप लोग ऐसा सोचते होंगे। ये सीन होगा। डेथ ये कार्ड मुझे दिखा था जब ये कार्ड्स गिरे थे। बहुत सारी यहाँ पे मेजर एंडिंग हो रही है आप लोग की लाइफ में। आप लोग के देखो ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज से तो आप निकल ही रहे हो बहुत ज्यादा। मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या है एनर्जीज, किस चीज की एंडिंग हो रही है, ये किस चीज की एंडिंग हो रही है। यूनिवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आप लोग ना अपने बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज है ना, ये मैं बताऊँ किसी और में नहीं है, किसी और से रिलेटेड नहीं है। आपने खुद में ही चेंज करना, जैसे चेंज करने का आपने डिसाइड कर लिया है। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हों आप लोग के साथ, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हों, आपको लोगों के साथ रेस्पॉन्स इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला हो, आपको ऐसा लगता हो कि लोग आपको ग्रांटेड पे ले लेते हैं, आपकी वैल्यू नहीं होती, आपकी फीलिंग्स का फायदा काइंड ऑफ मुझे ऐसी चीज़ें आ रही हैं उठाया जाता है। क्योंकि आप बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो, आप बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हो, उनके लिए आपसे जो कुछ भी होता है वो करते हो, अटैच हो जाते हो लोगों से, और अब जस्ट ऐसे पैड अप हो गए हो कि चेंज करने का डिसाइड कर लिया है कि अब ये सब खत्म करना है, अब ऐसा नहीं होगा, अपने मन की करेंगे, अब अपने मन की सुनेंगे। अब कुछ मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है, मैं देखती हूँ और आप लोग के लिए कार्ड्स क्या है। टॉरस वृषभ राशि, फाइव ऑफ कप्स। देखो ये दुखी होने का समय नहीं है, आप जो आप मन में सोच रहे हो ना, ये वीक आपका ऐसे ही रहेगा। देखो अगर आपकी लाइफ में दुख आ रहे हैं ना तो आपको स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी उन्हें सहने की, ठीक है। आपको अभी ज़रूरी क्या है कि जो चीज़ें चली गई हैं उसके बजाय कि जो आपके पास हैं उन पे आप फोकस करें। जैसे आप इस कार्ड में देख रहे हो इस पर्सन को, ये इन तीन कप्स के पीछे परेशान है, बट ये नहीं देख रहा कि इसके पास दो और कप्स हैं। इस दो कप्स से ये वापस से चीज़ों को स्टार्ट कर सकता है, यानी कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है आपकी लाइफ में। अभी भी बहुत सारी होप है, आपको होप ढूंढने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, दुखी नहीं रहना है। और वैसे भी आप खुद को बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हो, मैं ये देख रही हूँ, खुद को स्ट्रांग बनाना, खुद को दिलासा देना, खुद ही खुद को समझा रहे हो और फिर खुद ही परेशान हो रहे हो, खुद का ही मेंटर बनना, खुद को ही वो वाली यहाँ पे एनर्जीज चल रही हैं कि दिल और दिमाग की जंग वाली। और यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स भी है कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हो, रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है कि किसी पर्सन को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस बार बार कोई पर्सन हर्ट कर रहा हो, आपको हर्ट हो रहा हो, एंड देन आप स्टिल उनका वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, एंड अब फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं ये कंटिन्यू नहीं करना है। यहाँ पे कुछ लोग कंप्लीटली मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, कंप्लीटली आगे बढ़ जाना। देखो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग से कहा जा रहा है इस कार्ड में कि मेडिटेशन करें, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड से उनको निकालें। ज़्यादा परेशान देखो नहीं रहो, है ना, क्योंकि आप लोग हो रहे हो मुझे पता है, बट नहीं, आप लोग को स्ट्रांग बनना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो बहुत, ठीक है। और वही अगर आप बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो, आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं, तो वो नहीं कर, धीरे धीरे आप समझ जाओगे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे। ये जो एक्सपीरियंस ऐसे मिलते हैं ना, यकीन मानिए इन्हीं की वजह से हम लोगों को समझना सीखते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ना सीखते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो उससे परेशान नहीं हो, अपनी लाइफ में जो आपकी जो भी अच्छा है उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करें, थोड़ी पॉजिटिविटी लेके आए आपकी लाइफ में। और मैं इस डेक से भी देख लेती हूँ क्या एडवाइस है। टॉरस वृषभ राशि,
एक्शन, आपको एक्शन लेने हैं डेफिनेटली. यहाँ पे ये ना नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट वाली, यहाँ पे मुझे एनर्जीज मिल रही हैं कि देखो लाइफ में अगर अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है, जैसे दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी 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 ही हों. आप समझ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अब आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हो ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको स्ट्रांग बनना है. और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो जस्ट हिम्मत करके डटे रहिए, उसको फेस करिए और उससे बचने का यहाँ पे ट्राई नहीं करिए. ओके, एक और कार्ड दे देती हूँ इस डेक से. टॉरस, वृषभ राशि, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट. सो हो सकता है आप लोग को फाइनेंशियल भी कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही हों. ये वीक आपको जो एक्शन लेने हैं ना, वो अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसके लिए लेने हैं. अगर आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं कहूँगी खुद को बिजी रखिए. अगर आपके मन में फ्रस्ट्रेशन है, जस्ट देखो अपनी एनर्जीज को ना परेशान होने से, रोने से बेटर है खुद को इम्प्रूव करने में लगा दो. ठीक है, एक ऐसे मूवी भी थी, तो जस्ट हम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जस्ट ऐसे परेशान होके बैठ जाते हो या फिर खुद को इम्प्रूव करने में लगा देते हो. उन चीज़ों को दूसरों को प्रूव करके दिखा देना, तो यहाँ पे वही है, परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा आपको परेशान होने से. जो लोग ने आपको ग्रांटेड पे लेना था वो ले लिया, हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था. ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, देखो जब भी आप एक्शन लो ना, आप अपनी किसी भी चीज़ के लिए, हो सकता है अपनी करियर के लिए लो या फिर कुछ भी स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कहीं मूव करने का सोच रहे हो, तो उससे पहले सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लें और उसके बाद ही आप एक्शन लें. ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को लेके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बना लिए हों या फिर अपने कुछ ऐसे बिलीव्स बना लिए हों. तो किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले या फिर कुछ भी हो ना, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशंस को पहले ही गैदर कर लेना है. ओके, देन वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, सही है और गलत के बीच में आप जज नहीं कर पा रहे हो. मैं यहाँ पे लोगों को जज करने की बात नहीं कहूँगी, मैं सही और गलत को यहाँ पे जज करने की बात कर रही हूँ. तो आप हेल्प भी ले सकते हो जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, आप अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली मेम्बर्स से, कज़िन से, जो भी आपकी लाइफ में हो, जिन्हें भी आप मानते हो, जो भी मैटर करते हो, आपको लगता हो कि गाइडेंस देगा, आप जस्ट हिचक रहे हो ऐसा बोलने में, तो बोल दीजिए. बाद में कुछ बुरा होने से तो अच्छा है ना कि आप पहले ही वो चीज़ों को पूछ लो. तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है. ओके गाइस, सो दिस वाज इट फॉर दिस रीडिंग. आई होप आपको अच्छी लगी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो. तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय.